दोस्तों, तो अब हम लोग एक टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम बात को थोड़ा सा पहले से चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वो मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, वैसा मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सबसे क्लासिक एग्जांपल, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस आर और उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ मोशन होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? That time period of the motion t will be simply the angular displacement divided by the angular velocity 2 pi by omega. तो t equals to 0 पे अगर पार्टिकल यहां पर है तो t पर भी पार्टिकल यहां पर होगा, 2t पर भी पार्टिकल यहां पर होगा। एंड सिंपल सी बात है, हम ये चीज बोल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। सो If z is a property, z is a property of periodic motion, ठीक है, z अगर कोई periodic motion का property है तो simple सी बात है, हम एक चीज बोल सकते हैं, z जो कि function of time है, that can be also written as f of t plus capital T for all values of t. z t का कोई भी एक function है, I don't know, चाहे वो speed भी हो सकता है, velocity हो सकता है, displacement हो सकता है, that doesn't matter. f of t will be equals to f of t plus capital T for all values of t, small t. तब उसको हम लोग जो है वो हम बोलेंगे periodic motion. ठीक है। T has to be greater than zero and must be independent of any other variable. ठीक है। कोई भी दूसरा वेरिएबल पे वो चीज हमारा डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड डिफाइन करने के बाद हम एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी न्यू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है। सो बेसिकली एक सेकेंड में जितने बार पीरियोडिक मोशन, द नंबर ऑफ टाइम्स मोशन रिपीट्स इटसेल्फ पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाथ। तो फ्रीक्वेंसी न्यू जो हमारे पास आएगा, that is equals to 1 by t. Frequency nu is given by 1 by t. That is the basic concept regarding the periodic motion. ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, if fx has a period t, If fx has a period t, ये मैंने पहले भी करवाया हूं, एक बार वापस क्विक रिविजन में करवा दे रहा हूं। सो सबसे पहला, k fx has a period equals to t
के नॉट इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस के हैज पीरियड इक्वल्स टू टी. थर्ड, एफ ऑफ एक्स प्लस के has a period equals to t and f of kx has a period t by mod k. It has a period of t by mod k. ठीक है, right? Okay. Sin x, cos x, tan x, cot x has a period equals to t. Sorry. क्या लिख दिया? Sec x, cosec x has period equals to 2 pi. ये एक important property है जो हमें पता होना चाहिए. Sin x, cos x, sec x, cosec x has the period equals to 2 pi. And tan x, cot x has a period equals to pi. Tan x and cot x will have a period that will be equals to pi. ठीक है, right. अच्छा, now sin square x, cos square x, and obviously x square and cos x square has a period equals to pi, and tan square x, cot square x has period also equals to pi. ठीक है, समझा? स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं. याद रखो जो हमारा काम का है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का हमारा पाई होता है, ठीक है, और टेन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का भी पाई होता है. मैं अगला जो चीज कराने वाला हूं उसका एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन वो काम का तो हमारा है ही. एफ एक्स हैज अ पीरियड equals to t1, or gx has a period that is equals to t2. So fx plus or minus gx has a period equals to LCM of t1 comma t2. fx plus minus gx has a period of LCM of t1 comma t2. Accept it with a pinch of salt. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये exactly सही नहीं है. We have to accept this with some level of exception झेलने का क्षमता. ठीक है, let's see कहां पे काम आता है ये. अच्छा ध्यान दो, find period of sin 2x plus cos 3x plus 4. ठीक है, अच्छा साइन टू एक्स का पीरियड कितना होगा? टी वन साइन एक्स का होता है टू पाई, तो के एक्स का होगा बाई के, टी बाई मॉड के होता है. अच्छा मॉड के लगाना मत भूलना, क्योंकि टी हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. और इसका जो हमारा टी टू होगा
दैट विल बी 2π/3। ये फोर्स से तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है, फोर्स से कोई फर्क जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। सो इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ 2π/2, दैट विल बी इक्वल्स टू एलसीएम। फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम निकालते हैं? बाय एसीएफ। ये तो हम ये चीज जानते हैं। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2π। जो हमारा टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2π। ठीक है। अच्छा, बहुत सारा एक्सेप्शंस है। लेट्स सी, मान लो एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है और जी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। इसका जो पीरियड होता है T1 दैट विल बी पाई, एंड यहां पर T2 जो है वो भी हमारा है पाई। सो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ T1, T2 विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू पाई। अच्छा, एक्चुअली सच बात ध्यान देना, पाई और पाई का एलसीएम निकालना संभव ही नहीं है। एलसीएम जो चीज डिफाइंड होती है वो केवल और केवल इंटीजर्स के लिए होती है। फ्रैक्शंस के लिए हम उसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, यानी पाई और पाई अगर है तो पहले पाई बाहर कॉमन निकालो, हम 1 और 1 का एलसीएम निकालते हैं और डायरेक्टली पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1/2 और 1/3 का एलसीएम निकालना हो तो पहले 1/6 बाहर निकाल लो मल्टीप्लाई करके। एक कन्वर्ट हो गया कितने में? 3 में। दूसरा हो गया 2 में। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो 6 × 1/6 1 है, यानी 1/2 और 1/3 का एलसीएम जो होगा वो 1 होगा। ठीक है। एक्चुअल में तो फ्रैक्शंस के लिए हमारा एलसीएम डिफाइंड ही नहीं है। एलसीएम में ये बात ध्यान देना, इट इज नॉट इवन डिफाइंड फॉर फ्रैक्शंस। हम एक नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको हम एक्सटेंड करते हैं फॉर फ्रैक्शन और इरेशनल क्वांटिटीज। इन जनरल इट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, लेकिन एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर मैं करता हूं दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1। दैट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। T is undeterminable। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? जी हां, बिल्कुल ये एक पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन T हमारा अनडिटरमाइनेबल है। कॉन्स्टेंट फंक्शन का कोई डेफिनेट टाइम पीरियड जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम बोलोगे सर अगर T के लिए रिपीट करता है, मान लो 2 सेकेंड के लिए फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 4 सेकेंड के लिए भी तो अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैं 2 को टाइम पीरियड बोलूंगा या 4 को टाइम पीरियड बोलूंगा? तो ध्यान देना, ये टी जो है दैट इज डिफाइंड एज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अगर 2 सेकेंड के लिए रिपीट करेगा तो 4, 6, 8 सबके लिए रिपीट करेगा। तो जिनके लिए रिपीट कर रहा है उसके अंदर जो सबसे छोटा वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड टी। ठीक है। तो यहां पर ये एक्सेप्शन जो है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। ठीक है। या फिर मान लो हमारे पास जो है एफ एक्स जो है दैट इज साइन टू द पावर 4x, इसका जो टाइम पीरियड T1 है वो हमारा पाई है। एफ एक्स जो है वो साइन टू द पावर 4x है और जो जी एक्स है वो मेरा कॉस टू द पावर 4x है, इसका टाइम पीरियड भी मेरा पाई है।
ठीक है. सो एलसीएम एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर मैं करता हूं, पाई और पाई का एलसीएम तो हम जानते हैं पाई है, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस कैन बी रिटन एज साइन टू द पावर फोर एक्स प्लस कॉस टू द पावर फोर एक्स. दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स बाई टू. एंड ध्यान देना, दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स बाई टू. ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज हाफ प्लस वन बाई फोर टू कॉस स्क्वायर टू एक्स एंड दैट कैन बी रिटन एज हाफ प्लस वन बाई फोर वन प्लस कॉस टू एक्स यानी थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर सॉरी कॉस फोर एक्स कॉस फोर एक्स. तो साफ साफ हम देख सकते हैं जो इसका हमारे पास टाइम पीरियड होता है टी दैट विल बी टू पाई बाई फोर दैट विल बी पाई बाई टू बट एलसीएम जो आ रहा था वो हमारा पाई आ रहा था तो यहां पर भी एलसीएम वाला फंडा एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा इनफैक्ट एफ एक्स पीरियोडिक है जी एक्स पीरियोडिक है. एफ एक्स इज अ पीरियोडिक ठीक है जी एक्स इज अ पीरियोडिक That does not imply fx plus minus gx is a periodic. fx मेरा periodic है gx मेरा periodic है तो fx plus minus gx periodic होना भी जरूरी नहीं है. इसका classic example है fx ले लो sin x जीएक्स ले लो साइन पाई एक्स. ठीक है, सो इसका जो हमारा पीरियड है वो है मेरा टू पाई, इसका जो हमारा पीरियड है दैट विल बी टू पाई बाय टू पाई दैट विल बी टू. तो सिंपल सी बात है जो हमारा वो आना चाहिए एलसीएम ऑफ बट टू पाई इरेशनल है टू रैशनल है इनका एलसीएम आ ही नहीं सकता है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है एक्सेप्ट जीरो जो जीरो हमारा टाइम पीरियड नहीं हो सकता है. दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको एक रैशनल से डिवाइड करो और एक इरैशनल से डिवाइड करो दोनों केस में इंटीजर मिले. सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो इन दिस केस एफ एक्स साइन एक्स प्लस माइनस साइन पाई एक्स is not even periodic. So periodic motion के कुछ basic properties के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे जो हम करेंगे उस पर एक particle के ऊपर अगर दो periodic motion superimpose होता है यानी दो एक particle के पास दोनों individual level पे periodic motion है
तो नेट इफेक्ट जो है वो हमारा पीरियोडिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इस बात को रियलाइज करना हमारे लिए जरूरी है। ओके ओके दोस्तों, तो अब हम डिफाइन करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेशन और टू एंड फ्रो मोशन। देखो पीरियोडिक मोशन में तो बहुत सिंपल फंडा है, जो अपने आप को बार बार रिपीट करे वो एक पीरियोडिक मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म, या फिर एक बॉल को, एक इलास्टिक बॉल है परफेक्टली इलास्टिक, छोड़ दो ये ग्राउंड पे टकराएगा, वापस हाइट पे चढ़ेगा, वापस टकराएगा। मोशन अगर तुम्हारा मोशन परफेक्टली इलास्टिक है, यानी सॉरी कलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और कोई एयर ट्रैक नहीं है, तो इन दैट केस मोशन जो होगा वो हमारा पीरियोडिक होगा। बट ये वाला पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस बनेगा, दैट इज कॉल्ड द टू एंड फ्रो मोशन। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, मान लो हम लोग धागे के सहारे एक बॉल को छोड़ देता हूं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, कोई जनरल एंगल थीटा में मान लो 60 डिग्री पर मैंने छोड़ दिया, तो ये धागा यहां पर स्विंग करेगा, ठीक है, ये धागा यहां पर स्विंग करके दूसरा एक्सट्रीम पर आएगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। सो दिस इज द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, दिस कैन बी कॉल्ड अस पेंडुलम, राइट। सो ऑसिलेशन और टू और फ्रो मोशन पे क्या होता है, यहां पर हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजिशन। द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजिशन। अच्छा, मीन पोजिशन होने का फंडा क्या है? एट मीन पोजिशन अनबैलेंस्ड फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल्स टू जीरो। मीन पोजिशन पे उसके ऊपर जो हमारा उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स या टॉर्क होगा वो हमारा हमेशा जीरो होने वाला है, यानी हम बोल पाएंगे एट मीन पोजिशन पार्टिकल विल बी at instantaneous equilibrium, the particle will be at the instantaneous equilibrium। अच्छा ध्यान दो, क्योंकि पार्टिकल का मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो एक बार मेन पोजिशन से जाने के बाद ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये है मेरा मीन पोजीशन और यहां पर जो मेरा बॉल का ये दोनों पोजीशन है, जहां पर ये जिसके बाहर पार्टिकल नहीं जा रहा है, दे आर कॉल्ड द एक्सट्रीमिटीज, इसको भी हम एक्सट्रीमिटी बोलेंगे, इसको भी हम एक्सट्रीमिटीज बोलेंगे। तो पार्टिकल मेन पोजीशन से पहले एक्सट्रीमिटी के तरफ जाएगा,
फिर एक्सट्रीमिटी से मीन पोजीशन के तरफ जाएगा, फिर दूसरे तरफ एक्सट्रीमिटी पे जाएगा और फिर हमारा मीन पोजीशन पर जाएगा। तो ध्यान दो, यहां पर जो वर्टिकली नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा है मीन पोजीशन। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस पार्टिकल के ऊपर अपवर्ड टेंशन लग रहा है और डाउनवर्ड एमजी लग रहा है, तो टी मस्ट बी इक्वल्स टू एमजी एट द मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द मोशन, जिसके अबाउट ये टक 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 हमारा करते जा रहा है। सो ये जो इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि पार्टिकल वापस आ रहा है, सो दिस मस्ट बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का फंडा हम पहले से पढ़े हैं, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम बोल सकते हैं एट ए मीन पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज ए मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ मैक्सिमम। ठीक है, एंड सिमिलरली एट एक्सट्रीमिटीज, जहां पे पार्टिकल एक बार इंस्टेंटेनियसली रुक रहा है, पार्टिकल्स कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। पार्टिकल जो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली मैक्सिमम एट एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये है हमारा टू एंड फ्रो मोशन का फंडा है। तो ध्यान देना, जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीमिटी की तरफ जाएगा, मेन पोजीशन से जब वो एक्सट्रीमिटी की तरफ जाएगा, मोशन विल बी रिटार्डिंग। Motion will be retarding and E से जब mean position के तरफ जाएगा तो motion will be accelerating। Motion जो होगा वो हमारा accelerating होने वाला है। Mean position to extremity motion will be retarding and extremity to mean position the motion will be accelerating in nature। ठीक है, ये स्पेशल चीज के बारे में हम बोल सकते हैं। ठीक है, राइट। The distance between mean position and extremity is called amplitude A of oscillation। ठीक है, अच्छा, by the way, it can be also expressed in terms of angular
एम्पलीट्यूड थीटा नॉट. इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, क्योंकि बेसिकली यहां पर है ये जो एंगल है मीन पोजिशन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम एंगल, तो लीनियर एम्पलीट्यूड भी हो सकता है और एंगुलर एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है. इस चीज के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है मोशन का किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं. ठीक है, राइट. सो ऑसिलेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है. एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग के साथ बांध दो, तो एक ब्लॉक को हल्का सा डिस्टर्बेंस दे दो, तो ब्लॉक जो है वो टक 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 जो है वो हमारा करता रहेगा, तो वो भी हमारा एक टाइप का ऑसिलेशन ही हो गया है, राइट. अच्छा, इन ऑसिलेशन the net unbalanced force or torque acting on a particle is always restoring in nature. What is meant by restoring? Restoring मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, it always try to bring the particle back to mean position. अगर मैं पार्टिकल को जरा सा भी डिस्प्लेस करता हूं मीन पोजिशन से, तो वो वाला पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स या टॉर्क है वो इस तरीके से हमारा एक्ट करेगा जो कि वो हमेशा उसको मीन पोजिशन की तरफ लेकर आ पाए. So F vector is always directed towards the mean position. पहले force को लेकर बात करें, torque के बारे में बाद में बात करेंगे, वरना बिना मतलब के confusion create होगा. Angular part of the oscillation will be dealt afterwards. पहले linear part को देख लेते हैं. So F vector is always directed towards mean position. ये चीज जो है वो हम definitely लिख सकते हैं. अच्छा, types of oscillation, ठीक है. Main जो उसके अंदर हमारे syllabus में है वो एक ही है, ठीक है. क्या क्या, सबसे पहला है फ्री ऑसिलेशन. ठीक है, दूसरा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, और तीसरा है फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसके अंदर सिलेबस में हमारा मेन जो है वो है फ्री ऑसिलेशन, यानी पार्टिकल के ऊपर जो है कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है, यानी पार्टिकल के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. उसका टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड जो है दैट रिमेन्स सेम. फ्री ऑसिलेशन का मेन फंडा है टी एंड ए रिमेन्स सेम always. टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड जो है उस चीज पे कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं हो सकता है. ठीक है,
सो ये है हमारा टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन के बारे में। डैम्प्ड और फोर्स का छोटा सा पार्ट हमारा सिलेबस में है, वो टाइम जब आएगा तब हम देखेंगे, बाकी उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो ऑसिलेशंस है स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM। जो हमारा इस चैप्टर का मेन मुद्दा है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानना। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन है, उसके लिए क्या होगा। एन ऑसिलेशन इज SHM इफ, अच्छा पहली बात तो ये ऑसिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज रिस्टोरिंग इन नेचर। ये तो खैर कोई हर ऑसिलेशन पे होता है, फोर्स जो हमारा एक्ट करेगा वो तो डेफिनेटली हमारा रिस्टोरिंग होना ही पड़ेगा, ये तो पहली बात है। दूसरा जो मेन ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। द मैग्निट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, सो इफ एक्स वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट from mean position in SHM, तो उसके ऊपर जो net unbalanced force लगेगा किसी भी instant पे, that F vector is equals to minus K into X vector, K is greater than zero and कॉन्स्टेंट। माइनस क्यों लिखते हैं, ड्यू टू रेस्टोरिंग नेचर। तो मान लो ये हमारा कोई लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये हमारा मीन पोजिशन है, तो पार्टिकल अगर मेरा यहां पर है तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो हमारा एक्स वेक्टर है। तो पार्टिकल के ऊपर क्योंकि फोर्स जो है वो रेस्टोरिंग लगना चाहिए, सो इन दिस डायरेक्शन एफ वेक्टर विल एक्ट। सो एफ वेक्टर और माइनस एक्स वेक्टर आपस में अनलाइक वेक्टर्स है, यानी ऑपोजिटली directed vectors hai. So this is the basic equation of SHM. To yahan se hum likh sakte hain m into a vector equals to minus k into x vector, to a vector equals to minus k by m into x vector, तो हम लिखते हैं
A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x वेक्टर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर जहां पे k by m है, स्क्वायर इसलिए दिखा देता है जो कि ये प्रूव हो जाए, जो ये पॉजिटिव ही हमारा होना पड़ेगा। सो दिस इज द जेनरिक इक्वेशन ऑफ SHM. This is the generic equation of SHM. Now this is in the differential form. This is in the differential form. क्योंकि इसको अगर हम ढंग से लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे d square x vector by dt square that will be minus omega square x vector. तो इसका अब हम integrated form जो है वो हम निकालने वाले हैं. Let's see.